फ्रेंड्स मेरा नाम है रमनीश और आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम है गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुझे एक वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले थे कि आ, भाई आप बी एस जो है वो ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि बी एस आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो एक ऑफलाइन तरीका आप बी ऑफिस में विज़िट करके और दूसरा वाला तरीका जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठ के ठीक है बी आपको सर्विस दे रहा है आप ऑनलाइन भी उनकी वेबसाइट पर जा करके लॉगिन इन करिए लॉग करके रजिस्टर करके आप अपना एफ़ टी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ठीक है तो कुछ एक वीक के अंदर अंदर या दस पंद्रह दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे एफ टी ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई किया तो लग जाएगा ठीक है तो भाई कैसे अप्लाई करना है मैं सब कुछ आपको मैं बताता हूँ ठीक है तो अभी अप्लाई आपने कैसे करना है उसका लिंक जो है आपको डायरेक्ट आपको रिडेक्ट हो जाओगे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है तो वहाँ पे जाके क्लिक करके आप डायरेक्टली एफ की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे और अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपना जो भी आपका जो पूछेगा वो अपनी वेरिफिकेशन बायोडाटा डाल करके आप जो भी है प्रोसेस कर लेना ठीक है तो आपका जो कनेक्शन है वो कुछ दिनों में लग जाएगा मेरा कनेक्शन ऑलरेडी है ना ही मैं किसी का अप्लाई करने वाला हूँ बट मैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है वाइल्ड ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म ठीक है तो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई अगर आपका हो जाता है सक्सेस दें कुछ दिनों के बाद आपके घर पर बी एस प्रोवाइड किया जाएगा बी की तरफ से ठीक है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है आजकल मोस्टली काम सारे ऑनलाइन है तो आप भी अप्लाई ऑनलाइन कर लीजिए घर बैठ के अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो घर बैठ के लगा लो तो वो बेटर ही है तो अभी स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फिल करना है कैसे जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो पे बने लाना एंड तक और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें बेल बैलन प्रेस कर लेना ठीक है तो चलिए तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिला है ठीक है अप्लाई ऑनलाइन करने का तो आप डायरेक्टली डिडेक्ट हो जाओगे बी एस एल की वेबसाइट के ऊपर ठीक है तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है आप यहाँ से डाउनलोड यहाँ से इस लिंक से चले जाना आप क्योंकि अगर आप खुद सर्च करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा ठीक है तो आपको वीडियो के नीचे मैंने इसलिए आपका इजी हो जाए तभी मैंने आपको लिंक दे दिया है तो आपने चले जाना है उस लिंक के थ्रू ठीक है डायरेक्टली आप एम्प्लॉई ऑनलाइन पेज के ऊपर आप चले जाते हो ठीक है तो ये वाला पेज आपका आ जाएगा जब आप लिंक से जाते हो तो ठीक है तो जब यहाँ पे आप आ जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है भारत फाइबर ठीक है एफ का तो यहाँ पे आपको डिटेल्स जो आपको ये बरने सारी फिल करनी है ठीक है अप्लाई फॉर भारत फाइबर यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये ये जो स्टार स्टार बने हुए हैं ना फर्स्ट नेम के आगे स्टार या इसका उनका मतलब होता है कि ये जो फील्ड नहीं आपको फिल करना मैंडेटरी है ठीक है ये आपको भरनी ही भरनी है तभी आपको स्टार जिनके आगे लिखा हुआ है मैंडेटरी होती है ठीक है तो सबसे पहले आगे अपना डिटेल्स आपने यहाँ पे डाल डालनी अपना फर्स्ट नेम डालिए जो भी आपका नाम है लास्ट नेम डालिए आपका जो भी है ठीक है एंटर टेन डिजिट मोबाइल नंबर अपना सेलफोन नंबर डालिए और फोन नंबर वो डालना जो आपके पास ट्वेंटी फोर इंटू सेवन होता है ठीक है क्योंकि जब आप कनेक्शन वाले आएंगे आपको कॉल करेंगे वो किसी भी टाइम आ आ सकते हैं फ्री टाइम में भी आ सकते हैं जब भी उनके पास टाइम होगा तो जो आपके पास नंबर रहता है वही अप्लाई करें कोई और नंबर ना दे देना जो कि मतलब ना चलता हो या कुछ ऐसा वैसे जो चलता है वही नंबर दीजिएगा उसके बाद आप एंट्र वैलिड ई मेल डाल दीजिए एस कोड दे, डाल दीजिए ठीक है एस कोड आपके एरिया के हिसाब से जो भी होगा वो डाल देना एंड अपना लैंडलाइन नंबर जो होगा वो डाल देना एस टी टी कोड और लैंडलाइन नंबर ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा बट ये जो स्टार स्टार वाले मैंने आपको पहले बता दिया ये मैंडेटरी है फर्स्ट फोर जो है ठीक है लास्ट वाला अगर आपके पास अवेलेबल है कोई लैंडलाइन तो डाल दो वरना नहीं है तो मत देने दो उसको अभी नीचे आते हैं एड्रेस की डिटेल्स ठीक है एड्रेस की डिटेल यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है कौन से सर्कल से आप बिलोंग करते हो ठीक है तो वहां पे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एस एस से ठीक है तो देखो ये कुछ ये जो एस एस ए होता है ना ये कुछ बड़ी सिटीज़ में होता है जैसे एक हमारे उत्तर प्रदेश में हो गया राजस्थान में हो गया या हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका एस एस ए कुछ एक होता है इनका ठीक है डिस्ट्रिक्ट एस एस ए को भी बोलते हैं शायद मेरे को इतना पता नहीं है बट एस एस ए मतलब डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है मेरे ख्याल से ठीक है कुछ जगह पे एस एस ए कहा जाता है तो ठीक है ये अपने हिसाब से आप देख लेना आपके डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना नाम डाल देना ठीक है बाकी मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है सर के रिगार्डिंग तो इसलिए मैं आपको पक्का बता नहीं सकता ऐसा क्या होता है ठीक है बट आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लो डिस्ट्रिक्ट ही होती है मेरे हिसाब से देन आप एंटर हाउस नंबर लिख लीजिए अपना हाउस नंबर आपका है तो आप लिख लीजिए वरना कोई जरूरत नहीं है इतनी मैंडेटरी नहीं है ठीक है पिन कोड आप जरूर डालिए अपने एरिया कोड का तो अभी गाइज आ गया आपका लेटिट्यूड ठीक है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो आपके जो स्टेप्स हैं ये भी मैंडेटरी हैं ठीक है ये आपने फिल कर लेना यहाँ पे आपने अपना जो पर्टिकुलर एड्रेस है ना जो आपका पर्टिकुलर एड्रेस जो आपका लेटिट्यूड होता है क्या ठीक है लेटीट्यूड मतलब आपकी लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई करता है ठीक है तो आप नॉर्थ और साउथ में कौन सा आपका जो पोल होगा वो कनेक्ट होगा तो अपना जो पर्टिकुलर जो सही एड्रेस है वो आप यहाँ पे दीजिएगा ठीक है यहाँ आप कॉपी करके दोबारा से यहाँ पे अपना एड्रेस जो है दोबारा से फिल कर देना उसके बाद एक कैप्चा आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको अपना कैप्चा डाल देना देन आप सबमिट कर देना ठीक है सबमिट करने के बाद आपका जो होगा अभी मैं तो यार डिटेल्स फिल नहीं कर रहा मुझे नेक्स्ट का मुझे पता नहीं है इतना तो आप यहाँ पे सबमिट कर देना देन आपका जो प्रोसेस होगा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा एंड वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स थोड़ी सी कॉपी करना पड़ेगी देन आप पेमेंट कर देना यहाँ से पेमेंट का भी शायद यहाँ से होता है ठीक है बस यही प्रोसेस है इतना सा आप कर देना ऑनलाइन आगे जो भी होगा सबमिट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा वो आप देख लेना अपने हिसाब से फॉरवर्ड ठीक है मैंने आपको बता दिया ऐसे सिंपल तरीका है ये जो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो बी का एफ ठीक है तो सबमिट कर देना उसके बाद आपकी अप्लाई ऑनलाइन सक्सेस हो जाएगा और कुछ अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आप कुछ दिनों के बाद आपका जो एफ टी ऑनलाइन लग भी जाएगा आपके घर पे ठीक है तो बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस था तो गाइस फाइनली यही एक छोटा सा तरीका था जो मैंने आपको बता दिया अप्लाई ऑनलाइन करने का ठीक है इस तरीके से आप भारत फाइबर जो अप्लाई कर सकते हो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इजी वे से अपना जो एफ टी टी एच अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और आपका चार्जेस वगैरह जो भी होगा आप देख लेना वो चार्जेस हम आपको बता नहीं सकते पर्टिकुलर कितने चार्जेस लगते हैं ठीक है अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाना चाहते हो तो आप मिनिमम फाइव थाउजेंड लेकर के चलिए ठीक है क्योंकि हर सर्कल का अपना अपना हिसाब किताब होता है ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ तो बस यार ये कहना चाहता था आई होप आपके वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में तब तक लिए गुड बाय टेक केयर हैवे नाइस डे